प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.6 का अंतिम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है, ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें अपने को क्या करना है, दोनों संख्याएं दशमलव के रूप में दे रखी है, समझ में आ गए ना, और दशमलव संख्याओं का आपस में गुणा करना है। अब देखो इनका गुणा अपन किस प्रकार से करेंगे। अब जैसे इसमें पहला पार्ट है 2.5 गुणा 0.3, यानी दोनों क्या है दशमलव की संख्या है, इसमें भी दशमलव और इसमें भी क्या है दशमलव है। तो इनका गुणा करने का तरीका क्या है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बार ये जो दशमलव है इसको अपन भूल जाएंगे, ठीक है, दशमलव को एक बार नज़रअंदाज कर देंगे। अब दशमलव भूलने के बाद में ये संख्या कितनी है 25 और ये संख्या कितनी है 3। अब अपन इसका सीधा गुणा कर लेंगे, यानी 25 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो ये तो आपको पता है 25 को 3 से गुणा करेंगे 25 या कितने होते हैं 75, यानी एक बार दशमलव भूल गए और सीधा अपन ने गुणा कर लिया। अब अपन फिर से क्या है, अपने को दशमलव याद करना है, एक बार भूल गए अब वापस दशमलव को याद करो। अब देखो दशमलव के बाद में यहाँ कितना अंक है 1 और यहाँ भी कितना है 1। तो देखो दो दशमलव संख्याओं का अपन गुणा करते हैं तो उसमें दशमलव लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उन अंकों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में जो भी गुणनफल आया है उस गुणनफल में पीछे से यानी इकाई अंक से उतने ही अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। अब देखो किस प्रकार से लगाएंगे, भाई 2.5 दशमलव के बाद में 1 अंक है, पहले वाले अंक का अपने कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है 1 और यहाँ भी कितना है 1। अब कुल कितने हो गए 1+1 यानी 2, तो गुणनफल अपने पास कितना है 75 है। इसके इकाई साइड से यानी पीछे की साइड से 1+1 2 अंक छोड़ दो, उससे पहले दशमलव लगा दो, ये इसका मान आ गया। अब देखो दूसरा, जो भी संख्या है दोनों दे रखी है दशमलव के रूप में, ठीक है, तो सबसे पहले अपन गुणा करने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के एक बार भूल जाएंगे, तो यहाँ इसको अपन दशमलव भूलेंगे तो ये 1 ही है और यहाँ अपन दशमलव को एक बार भूल जाते हैं तो ये संख्या कितनी है 517। दशमलव भूलने हम लोग संख्या एक साथ पढ़ लेंगे तो ये संख्या कितनी है 517। अब देखो 517 को अपन 1 से गुणा करेंगे तो 517 ही आएगा, 517 को 1 से गुणा किया मान कितना आया 517 आया। अब अपन फिर दशमलव को याद करो, दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है 1 और यहाँ भी कितना है 1, यानी कुल कितने हो गए 1+1 2, तो जो भी गुणनफल है उसमें पीछे की साइड से यानी इकाई अंक से 2 अंक छोड़ दो, तो ये 1 छोड़ दिया ये 2 छोड़ दिया यहाँ ये दशमलव आ गया, इन दोनों गुणा करें तो क्या आएगा 5.17। अब देखो इसी प्रकार तीसरा है, दोनों क्या है दशमलव संख्याएं, दोनों कौन सी है दशमलव संख्या है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बार दशमलव को भूल जाएंगे तो ये संख्या क्या होगी 2 हो गई और यहाँ भी दशमलव भूलेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 3168। एक बार दशमलव भूल गए, अब देखो सीधा गुणा करेंगे, 2 को 3668 से गुणा करेंगे तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखो 2 को 8 से 8 × 16 असल की 1, फिर 2 को 6 से 6 × 12 और 1 असल की 13, फिर असल कितनी लगी 1। अब देखो 2 को 1 से करेंगे 1 दूर 1 असल की कितने हो गए 3, अब की बार असल की नहीं लगी है। अब 2 को 3 से करेंगे 2 × 3 = 6, ये आंसर आ गया गुणा करने से। अब वापस दशमलव को याद कर लो, अब देखो दशमलव के बाद यहाँ कितना है 1 अंक है और यहाँ भी कितना 1, कुल कितने हो गए 1+1 2, तो पीछे से यानी इकाई साइड से 1+1 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगा दो, मान कितना आ गया 63.36। अब देखो इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एक बार दशमलव भूल जाएंगे, ये कितना है 1.3, ये कितना है 3.1, तो दशमलव भूल जाएंगे तो ये संख्या कितनी है 13, ये संख्या कितनी है 31। अब सीधा गुणा कर लेंगे तो देखो 13 को 1 से गुणा किया कितने आ गए 13 का 13, असल कितनी लगी 1। अब 13 को अपन 3 से गुणा करेंगे 13 × 3 = 39 और 1 असल की जुड़ के कितने हो गए 40, मान कितना आ गया 403 आ गया।
अब वापिस दशमलव को याद करेंगे, दशमलव के बाद में एक अंक किया है और एक किया, कितने हो गए, एक रेक दो, तो देखो एक एक दो अंक छोड़ गया, पीछे से इकाई साइड से दो अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया, मान कितना आ गया 4.03। इसी प्रकार आगे वाला देखो, इसमें भी क्या दोनों दशमलव संख्या है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे, सीधा गुणा कर लेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे, इसका मतलब ये संख्या 5 है, ये संख्या क्या है 0.5 है, तो देखो 5 को 5 से गुणा किया, 5 उड़ी 25, असल कितनी लगी 2, फिर 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 असल की वही लगा देंगे, तो मान कितना आ गया 25 आ गया। अब देखो दशमलव की याद करेंगे, दशमलव के बाद में एक अंक है, अब देखो यहाँ दशमलव के बाद में एक एक दो, तो कुल कितने हो गए 2 और 1 3। अब की बार अपने को इसमें 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, इकाई अंक से यानी पीछे की साइड से, देखो एक छोड़ दिया, दो छोड़ दिया, अब तीसरा अपने पास है नहीं, तो क्या करेंगे शून्य लगा देंगे, उससे पहले ये दशमलव आ जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा 0.025। कहने वाला अपने पास अंक उपलब्ध नहीं हो तो उसकी जगह अपन क्या है शून्य ले लेंगे। अब देखो इसका छठा पार्ट है, दोनों दशमलव संख्या है, तो सबसे पहले अपने एक बार दशमलव भूल जाते हैं, ये अपने समझ के लिए, अपने आसानी के लिए, ठीक है, तो अपने सीधा गुणा करेंगे, ये संख्या कितनी 112 और ये संख्या क्या हो गई 15, यानी दशमलव भूल गए एक बार, अब मैं सीधा गुणा करता हूँ 112 को 15 से, अब देखो 15 को 2 से किया, 15 दूनी 30, असल की 3, अब 15 को अपने 1 से करेंगे, 15 एक 15 और 3 असल की कितने हो गए 18, अब की बार असल 1 लगी है, फिर अपन 15 को 1 से गुणा करेंगे, 15 एक 15 और 1 असल की जुड़ के कितना हो गया 16, मान कितना आ गया 1680 आ गया। अब वापिस दशमलव को याद कर लेते हैं, देखो दशमलव के बाद यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 1 और 1 2, यानी टोटल कितने हो गए 2 प्लस 1 3 हो गए, देखो इकाई साइड से 1 2 3 छोड़ दो, यहाँ दशमलव लगा दो, तो मान कितना आ गया 1.68 है, और जो कहने मतलब अपने को डायरेक्ट गुणा करना है, समझ में आ गया ना, कोई भी दो दशमलव संख्या हो उसको अपने इस प्रकार से डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, उसके लिए क्या है सबसे पहले अपने एक बार दशमलव को भूल जाते हैं ताकि गुणा एकदम से इजी हो जाएगा। अब देखो इसी का 7वां पार्ट है, 1.07 गुणा दशमलव 02, यानी उसी प्रकार से दोनों संख्या क्या है दशमलव की संख्या है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे एक बार दशमलव को भूल जाएंगे, तो ये संख्या कितनी है दशमलव भूलने के बाद में ये होगी 107 और ये संख्या है सिर्फ है 2। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे 107 को 2 से गुणा कर लेंगे, देखो मैं एक बार यहीं डायरेक्ट करता हूँ, 2 को 7 से गुणा किया, 7 2 14 असल लगी 1, उसके बाद 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, यानी 1 जो असल की वही आ जाएगी, उसके बाद 2 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2, यानी गुणनफल अपना कितना आ गया 214 आ गया। अब अपन क्या करते हैं वापिस दशमलव को याद करते हैं, अब देखो यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक हैं 1 और 2 और यहाँ कितने हैं 1 और 2, यानी कुल कितने हो गए 2 प्लस 2 यानी 4। अब करने मतलब जो भी गुणनफल है उसमें अपने को पीछे से यानी इकाई साइड से 4 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, अपने पास अंक कितने देखो 1 2 और 3, 3 अंक तो है, 1 अपन क्या है 0 लगा देंगे, उससे पहले दशमलव लगा देंगे, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो इससे आगे वाला 8वां भाग है, अब इसमें भी उसी प्रकार से अपने क्या दोनों संख्याओं में दशमलव दे रखा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे एक बार दशमलव को भूल जाते हैं, तो यह संख्या कितनी होगी 1005 और यहाँ दशमलव भूलने के बाद में यह संख्या कितनी है 105, यानी एक संख्या क्या होगी आपके पास 1005 और दूसरी संख्या क्या होगी 105। दशमलव एक बार भूल गए, यानी एक बार अपन सीधा गुणा कर लेंगे, अब देखो इनका अपन गुणा करेंगे, 5 को 5 से 25, 5 को 0 से किया 0, 5 को 1 से किया 5, अब देखो ये 0 है ना, तो यहाँ एक बार गुणा क्रॉस लगा दो, ये पूरा मान लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को। अब अपने 1 को 5 से करेंगे 5, 1 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया 0 और 1 को 1 से किया 1,
अब देखो, पांच के पांच, दो के दो, फिर पांच, फिर शून्य और फिर एक, इन दोनों का गुणा किया तो मान कितना आ गया, 1, 0, 5, 5, 2 और 5। अब अपन क्या करेंगे, फिर से दशमलव को याद करेंगे, यानी याद देखो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1, 1, 2, और यहां भी कितने हैं, 1, 1, 2, यानी टोटल कितने हो गए, 2 + 2 यानी 4। तो अपन क्या करेंगे, जो भी गुणनफल आया है उसमें पीछे की साइड से यानी इकाई साइड से 4 अंक छोड़ देंगे। देखो 1, 2, 3 और 4 छोड़ने के बाद में यहाँ ये दशमलव आ गया। अब देखो इसी प्रकार से आगे वाला पार्ट है। अब इसमें भी वही बात है, दोनों संख्याओं में दशमलव संख्या है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार दशमलव भूल जाए तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 10,101, और ये संख्या सिर्फ एक ही है। अब देखो 10,101 को अपने एक से गुणा करेंगे तो 10,101 ही आएगा, इसको मैं यही लिख देता हूँ, 10,101, एकदम इजी गुणा हो गया। अब अपन क्या करेंगे, दशमलव के बाद में अंक देख लो, यहाँ कितने, 1, 1, 2, और यहाँ भी कितने, 1, 1, 2, यानी टोटल कितने हो गए, 2 + 2 यानी 4। तो पीछे से 4 अंक छोड़ दो, 1, 2, 3 और 4, ये यहाँ दशमलव लग गया। अब देखो कितना आसान गुणा हो गया, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से आगे वाला पार्ट है, दसवां पार्ट है। अब इसमें भी दोनों संख्याएं क्या है, दशमलव की है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार दशमलव भूल जाएंगे। अब दशमलव भूलने के बाद में इसका मतलब है पूरी संख्या को अपन एक साथ पढ़ेंगे, तो यह संख्या कितनी है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,001 है। यह संख्या कितनी है, 10,001, और यहाँ दशमलव भूलने के बाद में संख्या क्या होगी, 1, 1, 11, यानी 10,001 को अपन 11 से गुणा करेंगे। अब देखो मैं एकदम सीधा करता हूँ, यही डायरेक्ट देखो 11 को 1 से गुणा किया, कितने आ गए, 11, 11, 1, 11, असल कितनी लगी, 1। अब 11 को शून्य से गुणा करेंगे, शून्य आएगा तो 1 जो असल की वो आ जाएगी। उसके बाद में 11 को शून्य से गुणा किया, क्या आया, शून्य। उसके बाद में 11 को शून्य से गुणा किया, क्या आया, शून्य। उसके बाद में 11 को 1 से गुणा किया, क्या आ गया, 11, 1, 11, ये आपका आंसर आ गया। अब अपन क्या करेंगे, दशमलव को याद करेंगे, तो दशमलव के बाद में कितने, 1, 1, 2 और 1, ये यानी 3, कुल कितने अंक हो गए, 3। तो अपन पीछे से 3 अंक छोड़ देंगे, 1, 2 और 3, और उससे पहले यहाँ दशमलव लगा देंगे, इसका मान कितना आ गया, 110.01 और 1। कहने मतलब है कोई भी दो संख्या आपके पास दशमलव की हो तो उसको अपन आपस में गुणा किस प्रकार से करेंगे, एक बार आप उस दशमलव संख्या को भूल जाओ तो गुणा आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद में उन संख्याओं में दशमलव के बाद में कितने अंक वो जोड़ के जो भी गुणनफल आता है उसमें पीछे से यानी इकाई साइड से उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 2.6 आज कंप्लीट है। आगे वाली क्लास में अपन आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।